बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। और वर्कशीट नंबर जो 8 है, इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों माध्यम के बच्चों के लिए हैं। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। और आज की वर्कशीट का नाम है धातु एवं अधातु। अभी हमने पिछली वर्कशीट में कुछ तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनको पहचानना कि वो धातु है अधातु है, ये सब। अब उनके कुछ भौतिक गुण धर्म के बारे में बात करेंगे और पहचानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला गुण धर्म है धात्विक चमक के आधार पर। जितनी भी धातुएं होती हैं, मैक्सिमम धातुएं, उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे आप देखते होंगे सोना है, चांदी है, लोहा भी लेके आते हो तो बहुत चमकदार होता है, तांबा है, ये सारी धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। दूसरा है कठोरता के आधार पर। जितनी भी धातुएं हैं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं अधिकतर नर्म होती हैं। एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी अधातुएं होती हैं वो नर्म होती हैं। उसके बाद हम रूप के आधार पर करेंगे कि वो किस रूप में पाई जाती है, ठोस है, द्रव है, गैस है। धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस और गैस दोनों रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट गुण धर्म है अघात वृद्धता। अघात वृद्धता का मतलब क्या है? जब कुछ धातुओं को पीट कर जब चादरों में बदला जाता है, उसे अघात वृद्धता कहते हैं। जैसे आप टीन शेड देखते हैं अपने स्कूल के अंदर भी, घरों में भी दरवाजे बनाए जाते हैं लोहे के, तो बड़ी बड़ी जो चादरें हैं, पतली पतली जो चादरें के रूप में जब आप देखते हैं तो अघात वृद्धता प्रॉपर्टी होती है उनकी। तो धातुओं में अघात वृद्धता होती है, अधातुओं में अघात वृद्धता नहीं होती है। उसके बाद आता है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं को पतली तारों में खींचा जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं चांदी के, तो सोने चांदी की जो धातु है उसको पतली पतली तार बनाई जाती है, फिर उसके बाद डिज़ाइन दिया जाता है, तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो तन्यता है, और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन पास होने देता है या किसमें से हीट पास होती है। तो जितनी भी धातुएं हैं, आप देखो बिजली की तारें जो होती है वो धातुओं की बनी होती है, कॉपर एल्यूमिनियम। इसी तरीके से बर्तन जो होते हैं किचन के अंदर, वो सिल्वर के, तांबे के, लोहे के, इन सब चीज़ों के बने होते हैं, सारी की सारी धातुएं हैं। इसका मतलब सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातु क्या होती हैं? जो कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, मतलब कुचालक होती हैं। सुचालक मतलब जिनमें से विद्युत और ऊष्मा पास आसानी से हो जाए वो सुचालक, और कुचालक वो जो पास ना होने दे। उसके बाद आता है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब साउंड उत्पन्न करना वाले। जब आप स्कूल में देखते हैं कि जब बेल बजती है तो उसमें आवाज़ आती है, या आप दो चीज़ों को, दो कटोरियों को भी अगर आप हिट करोगे तो उसमें भी आवाज़ आती है। तो धातुएं की कठोर सतह होने से वह टकराकर आवाज़ करती हैं, लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती, वो नर्म होती हैं, जिसकी वजह से उनमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इसमें कुछ दो चीज़ें बहुत अच्छी दे रखी हैं इसमें। पहला है, एक धातु ऐसी है मरकरी। मोस्टली धातुएं अभी आपने पढ़ा कि कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन जो मरकरी है, जो थर्मामीटर के अंदर होती है, जो पारा जिसको हम बोलते हैं, जैसे ही टेम्परेचर नोट करते हैं तो पारा हाई हो जाता है, तो उसका वो हमेशा द्रव कंडीशन में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, डायमंड और ग्रेफाइट, जिसमें से जो ग्रेफाइट है, जैसे पेंसिल, आपकी पेंसिल का जो ब्लैक कलर का जो सिक्का होता है उसके अंदर लीड लेड होता है, वो ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। ये आप छोटी क्लासेस में करते भी होंगे, जब करंट पास कराते हैं तो अगर हम पेंसिल के ऊपर तारों को लगाएंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही उसकी लीड पे तार को लगाते हैं तो उसमें से करंट पास हो जाता है। इसका मतलब वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक होता है। अब इसमें आया फर्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास करेंगे। अपने आसपास से किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए। तो आपको बहुत सारी धातुएं दिख सकती हैं, उनके नाम लिखना है। विद्युत से सुचालक से आप क्या समझते हैं? जिनमें विद्युत धारा पास हो जाती है उसे सुचालक कहते हैं। और अधातुओं के कोई तीन गुण धर्म टेबल में से देखिए आप बता सकते हैं। अघात वृद्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। अघात वृद्धता वो प्रॉपर्टी, वो गुणधर्म है जब किसी धातु को पीट कर पतली चादरों में बदला जाता है तो अघात वृद्धता, और तारों में त से तन्यता, त से तार, तो तार में बदला जाता है तो तन्यता कहलाता है।
एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक है? तो धातु हमेशा ध्वनिक होती है क्योंकि उनकी कठोर सतह होती है और जब वो टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 8 एंड नेम ऑफ द वर्कशीट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी और क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंशिएटिंग मेटल एंड नॉन मेटल इज लस्चर। लस्चर मीन्स शाइनिंग सरफेस। सो ऑल द मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। इन द फॉर्म ऑफ स्टेट इट मीन्स सॉलिड लिक्विड और गैस। मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड बट नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस। नेक्स्ट इज मैलियबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स सो इट इज़ कॉल्ड मैलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स सो दे आर कॉल्ड डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड सोनोरस नेक्स्ट वन। मेटल्स ऑल मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस सो दे हैव सोनोरस प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर बिकॉज दे आर सॉफ्ट। व्हेन वी स्ट्राइक देम दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। दे डू नॉट हैव हार्ड सरफेस सो दे आर नॉट सोनोरस इन नेचर। सो देर इज अ नोट इन दिस वर्कशीट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज मर्करी। मर्करी इज अ मेटल एंड यू हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म बट मर्करी इज द एक्सेप्शन विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर एंड इट इज फाउंड इन द थर्मामीटर। वैन यू नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी देन मर्करी राइज अप एंड शो द टेम्परेचर। सो मर्करी इज यूज इन क्लिनिकल थर्मामीटर्स एज वेल एज रूम थर्मामीटर्स। सेकेंड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स ग्रेफाइट एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट्स प्रॉपर्टी इज दैट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेंसिल लीड दैट इज ब्लैक इन कलर एंड पेंसिल अपर सरफेस इज मेड अप ऑफ वुड सो इट इज इंसुलेटर बट द इनसाइड पार्ट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कशीट यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। And the first question is, name the three metals from your surrounding. Then you can take silver, gold, iron, copper, anything, aluminium. What do you mean by a good conductor of electricity? It means the substances which allow electricity to pass through them, they are called good conductor. State any three properties of non-metals. And what are the non-metal property that we have discussed? Non-malleable, non-sonorous, non-ductile. Non hardness, they are soft in nature. So any three properties you can write here. Explain the term malleability and ductility. It is also written in the table very nicely. And the last question is, which of the two is sonorous, a metal and a non-metal? So always metals are sonorous because they have a hard surface and when we strike them they produce sound like electric bell in your home as well as the bell produce sound at the time of school is over, at the time or in the prayer time as well. So metals are sonorous in nature. I hope you understand the concept of metals and non-metal physical properties. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.